Welcome children. Today we will do data handling exercise 11.2, question 3 and 4. So here is question number 4. We are doing question 4 first. The following table shows the number of different flowers a florist has. Okay, so you can see a table here. Okay, the question is very big. I have written only small, little one. Rose are 22, jasmine are 10, marigold are 16, lily are 14, lotus is 16 and sunflower is 12. This part is our question. This much part is the question. In the question it is given that for this information, these are the names of the flowers, these are the number of flowers a florist is having. Florist is a person who is selling the flowers. ठीक है, एक फूल बेचने वाला है, उसके पास ये सारे टाइप के फ्लावर्स हैं और इतने इतने फ्लावर्स हैं. ठीक है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ पिक्टोग्राम एंड ड्रॉ वन सिंबल ऑफ फ्लावर टू शो फोर फ्लावर्स एंड हाफ फ्लावर टू शो टू फ्लावर्स. सो दिस इज द की ऑफ द पिक्टोग्राफ दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन. अब हमारा पार्ट आया क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, तो this is a format of a pictograph. You have a pictograph, you have two columns in it. One column I write the names. ये जो ऊपर वाले names हैं, वो सारे names हमने इस column में लिखे हैं. Second column we have to show the pictures. ठीक है, इससे पहले जो हमने question किए थे उसमें pictograph given था. You have to answer some questions. Now there is some information and you have to draw a pictograph. तो एक opposite situation है. Pictograph नहीं है. You have to draw the pictures and show the pictograph. Okay? तो अब हमें क्या करना है, रोज फ्लावर हमें बताने 22. Now see children, all these numbers you have given and for these numbers the question is telling कि आपको four flowers use करना है, four flowers के लिए one symbol use करना है. ठीक है, तो what we will do, we will write the table of four. ठीक है, हमने इसके लिए table of four लिख दिया है. ठीक है, एंड वेन एवर वी फाइंड दीज नंबर्स वो ही हम उसको हाईलाइट कर लेंगे और फिर हम उससे हमको कितने सिंबल्स ड्रॉ करने हमें पता चल जाएगा. सी, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. 12 सनफ्लावर आर 12. नाउ फाइंड आउट, डू यू फाइंड 12 इन द टेबल ऑफ 4? ठीक है, 12 है टेबल ऑफ 4 में. ठीक है, तो 4, अब 4 फ्लावर्स के लिए एक सिंबल बनाना है. तो अब आपको कितने सिंबल बनाने हैं, यहां से आप चेक कर सकते हैं. हाउ मेनी सिंबल्स, 4 फ्लावर्स के लिए आपको एक सिंबल बनाना है. तो 12 सिंबल्स के लिए आप देखो 4 का तो टेबल ही है 3 टाइम्स. सो 4 थ्री आर 12. यू कैन जस्ट इमेजिन दैट इन द टेबल ऑफ 4 व्हेन यू गेट 12. तो 4 थ्री आर 12, तो 3 आया हमारे पास सिंबल. इट मीन्स दैट फॉर सनफ्लावर आई हैव टू ड्रॉ 3 सिंबल्स. एक फ्लावर, दूसरा सिंबल एंड थ्री. नाउ ऑल दीज सिंबल्स मीन्स वन सिंबल फॉर 4. तो 4 फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स का मतलब हो गया 12 फ्लावर्स. एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू शो हियर इन सनफ्लावर इज 12. ठीक है, अब यहां देखते हैं, लोटस आर 16. आर फॉर 16 फ्लावर्स विल आई ड्रॉ 16 सिंबल्स हम ड्रॉ करेंगे? नो, दे आर टेलिंग दैट ज्यादा नंबर्स के लिए आप एक ही यूज कर रहे थे, यूजिंग अ स्मॉल नंबर. नाउ सी, 16 आई फाइंड एनीवेयर इन द क्वेश्चन? यस, 4 4s आर 16. सो इन द टेबल ऑफ 4 आई गेट 4 टाइम्स 16. सो हियर आई विल ड्रॉ 4 सिंबल्स. वन सिंबल, टू, थ्री एंड 4. तो हमने लोटस के लिए सिंबल्स बना दिए, सनफ्लावर के सिंबल्स बना दी. अब इसको चेक करके देखते हैं. देखो, एक सिंबल का मतलब 4 फ्लावर्स. अगर आप इनको ऐड करते हैं तो क्या आपका आंसर 16 आ रहा है? यू कैन चेक, 4 + 4 + 4 + 4, इट इज 16. सो दैट्स हाउ यू कैन नो बाय द टेबल ऑफ द की. की में जो हमको की में जो हमें नंबर दिया है 4, उसके टेबल से हमें पता चल जाएगा. ओके, अगेन मैरीगोल्ड इज 16, तो फिर से हमको पता चल गया मैरीगोल्ड में हमको 4 फ्लावर्स बनाने हैं. उससे पहले लिली है, लिली इज 14. ओके, तो 14 तो हमें टेबल में मिलता नहीं है. देखो, 4 8 12 16 20, वी गेट 14 बिटवीन 12 एंड 16.
तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे। पहले हम 12 फ्लावर्स के लिए सिंबल बना देंगे और 12 प्लस 2 यू नो 14, 2 फ्लावर्स के लिए हाफ सिंबल बना देंगे। ओके सो लेट अस सी फॉर लिली, वी आर ड्रॉइंग फॉर लिली। लिली के लिए हमें कितने फ्लावर्स बनाने हैं, देखो 12 प्लस 2 हमने कर दिया है 14, तो 4 3 इज 12, 3 आइटम्स, 3 फ्लावर्स आई विल मेक टू शो लिली। 3 4 था तो 12 फ्लावर्स के लिए हम बता चुके हैं। अब 2 फ्लावर्स के लिए बनाना है, तो 2 फ्लावर्स के लिए विल ड्रॉ ओनली हाफ फ्लावर। तो हियर हाफ फ्लावर कैसे बनाएंगे, फुल फ्लावर बना देंगे फिर उसको हाफ इरेज कर देंगे। ओके सो दिस इज टेलिंग नाउ दैट 4 + 4 + 4 + 2 इट गिव्स यू 14। लेट अस सी फॉर मैरीगोल्ड। Marigold is 16 and 16 I can find in the table. It is there. So I have to draw 4 symbols. So for marigold, I have to show 16 numbers. So I will draw 4 flowers. Okay. Let us see for jasmine. Jasmine is 10. Search the number 10 in the table of 4. 4 2's are 8. 4 3's are 12. So 12 tak to hume nahi jana hai. So we will take 4 2's are 8. We will take this information. 4 2's are 8. दो ही फ्लावर बनाएंगे तो 8 फ्लावर्स हो जाएंगे. ओके और हमारा 10 होएगा 8 प्लस 2. तो प्लस 2 के लिए हम हाफ फ्लावर बनाएंगे. तो हाउ मेनी फ्लावर्स जैस्मीन, आई वॉन्ट 2 फ्लावर्स. 2 को देख लीजिए, 4 प्लस 4 8 हो गया. तो 8 फ्लावर्स के लिए हम सिंबल बना चुके हैं. नाउ आई वॉन्ट सिंबल फॉर ओनली 2 बिकॉज 8 प्लस 2 इज 10. For 2, I will make half flower. So I will make a full flower and erase this. This is how I can make a half flower. Let us see rows 22. 22 roses are there. Search the number 22. Do you find in the table? अब देखो हमें मिलता है 4, 5 are 20, 4, 6 are 24. So 24 तो है नहीं, 20. 4 5 are 20, we will take this information. 4 5 are 20. अगर हमने 5 सिंपल्स बना दी मतलब हमने 20 फ्लावर्स शो कर दिए, ठीक है, लेकिन 2 मोर वी वांट टू शो दैट वी विल यूज फॉर हाफ. तो हम कर देंगे 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22. 20 के लिए 4 के टेबल में कब आता है 20, 5 टाइम्स. सो 5 फ्लावर्स आई विल ड्रॉ हियर. 1 2 3 4 5 4 and 5. 5 flowers show 20 flowers. Okay. 5 symbols show 20 flowers. हमें 22 बनाने यानी 2 flowers के लिए अब मुझे half symbol चाहिए. Full symbol and I'll erase this. Yes. So this is the pictograph. This is your answer. आपका question था इस table के लिए, इस information के लिए pictograph बनाना. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में 2 कॉलम बनाते हैं हम. एक जगह हम नेम्स लिखते हैं, दूसरी जगह नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए सिंबल्स या पिक्चर्स यूज करते हैं. एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट, योर पिक्टोग्राफ मस्ट हैव अ की. सो यू विल राइट की. की इज टेलिंग यू दैट वन फ्लावर, वन सिंबल ऑफ फ्लावर्स मीन्स 4 फ्लावर्स एंड हाफ फ्लावर. Half flower is equal to 2 flowers. This is your solution. Okay, here I will draw 1. 1 symbol is equal to 4 flowers. Half symbol is equal to 2 flowers. So, आपके लिए पिक्टोग्राफ में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो 2 कॉलम्स एंड 1 की. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4.